गाइस पता नहीं अवेंजर्स ने मुझे क्यों इतनी इमरजेंसी में बुलाया कि मुझे कार भी घर पर ही छोड़ के आना पड़ा। ये नहीं हो सकता, सब तबाह हो जाएगा। अरे हल्का से सबको रोक पाता। अरे ये क्या अनहोनी होने जा रही है? ओडिन की कसम, अब ऐसा कैसे हो सकता है? कैसा हो सकता है, क्या हो गया? कोई मुझे कुछ बताएगा? फ्रैंकलिन हम नहीं बता पाएंगे, खुद ही देख ले न्यूज में। अरे बाप रे, ये कौन सी घड़ी आई है जब दुनिया ऑल फादर गॉड को मारने वाली है? ऑल फादर गॉड के मरते ही कहीं और अदरत ना हो जाए। कोई दुनिया को समझाओ, हमारे प्यारे ऑल फादर गॉड को बचाओ। है? ये कैसी न्यूज़ है? ऑल फादर गॉड को कोई कैसे मार सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है फ्रैंकलिन, पूरी दुनिया ऑल फादर गॉड के खिलाफ हो गई है। लेकिन ऑल फादर गॉड ने कुछ गलत किया? गया नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया, बस उसकी गलती है कि हम जैसे पापी इंसानों का वो गॉड बना और आज यही पापी इंसान उसकी जान लेने जा रहे हैं। ओडिन की कसम, काश हम उसे बचा पाते, तो तुम लोग बचाने गए क्यों नहीं? हमने कोशिश की फ्रैंकलिन, कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं ऑल फादर गॉड को बचा कर रहूंगा। यार ये दुनिया वाले पागल हो गए। भाइयों और बहनों, यहाँ पर पूरी दुनिया में ऑल फादर गॉड के कमजोर होने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। बिल्कुल सही कहा, हमारा खाना, हमारी बच्चे सब मर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए आज हम ऑल फादर गॉड को मार देंगे। बिल्कुल ही ही ही, मेरा बच्चा मर गया। अरे भैया, मेरा बच्चा भी मर गया, ये ऑल फादर गॉड की वजह से हो रहा है। नहीं दोस्तों, प्लीज मेरी बात मानने की कोशिश करो। अगर तुम मुझे मारोगे तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और अब तेरी वजह से ही तो सब तबाह हो रहा है। बिल्कुल सही कहा, इसको मार दो। बिल्कुल, देखो हमारे फलों में आग लग रही है, हमारे घरों में आग लग रही है, इस ऑल फादर गॉड को मार दो। नहीं प्लीज, मेरी बात सुनो भाई साहब, यहाँ पर आप ऑल फादर गॉड को नहीं मारो, ऑल फादर गॉड की बात सुनो। अगर आपने ऐसा किया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अबे फ्रैंकलिन, तू चुप रह, तुझे क्या पता? मैंने अपनी पूरी फैमिली खो दी, तूने कुछ खोया? मैंने नहीं खोया, लेकिन बहुत कुछ खो दूंगा अगर ऑल फादर गॉड को आपने मारा। ये क्या कर दिया आपने? नहीं, ये क्या हो गया? ऑल फादर गॉड, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? अरे भैया, हमको बचा। अरे भैया, ये क्या हो गया? ऑल फादर गॉड बनने की वजह से और दिक्कत हो गई। मैंने कहा था मुझे मत मारो। ओह नो, ऑल फादर गॉड। गाइस प्लीज जल्दी से कोई हमारी मदद करो, वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। इन पापी इंसानों ने क्या पाप कर दिया ये? अब हमारी दुनिया को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऑल फादर गॉड को मैं बचा कर रहूंगा, वरना पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मुझे जल्दी अवेंजर्स के पास चलना होगा, अब तो अवेंजर्स ही यहां पर ऑल फादर गॉड को बचा सकते हैं। अरे बाप रे, मेरे सिंचन पिंचन चौप, मैं तो सबको खो दूंगा। नहीं, ये क्या हो रहा है? पूरी की पूरी कयामत आ चुकी है। कोई है? कोई हमारी मदद करो। हल्को लगता है कयामत आ रही है। फ्रैंकलिन क्या हुआ? अरे ऑल फादर गॉड को इंसानों ने मार दिया। नहीं नहीं फ्रैंकलिन, अब तो पूरी दुनिया मरने वाली है। अलविदा मेरे भाई, तूने सब कुछ रोका क्यों नहीं? मैंने कोशिश की, तू रोक पाया सब कुछ? नहीं रोक पाया, इंसान पूरी तरह से पागल हो गए थे, वो पूरी तरह से सेल्फिश हो गए थे, अब तो हम मरने वाले हैं। फ्रैंकलिन, आई एम सॉरी मेरे भाई। नहीं गाइस, मैं तुम लोगों को मरने नहीं दूंगा, प्लीज मुझे एक मौका दो इस चीज को ठीक करने का। कोई तो तरीका होगा यहाँ पर ऑल फादर गॉड को वापस बुलाने का और दुनिया ठीक करने का। ओडिन की कसम, अब कुछ तरीका नहीं है, अब सब खत्म हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। नहीं, तुम लोग प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। स्टार्क, ये क्या हो गया? फ्रैंकलिन, मैं कैसे बच गया? मेरे दोस्त कैसे मर गए? फ्रैंकलिन, ये क्या हो गया? मैं किसी को नहीं बचा पाया, काश हम किसी को बचा पाते। अरे यार अवेंजर्स, उठ जाओ प्लीज, हमें इस दुनिया को ठीक करना होगा। काश मैं उन लोगों को समझा पाता कि ऑल फादर गॉड मारने से क्या दुनिया पे तबाही आएगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ऑल फादर गॉड बीमार कैसे हो रहा था? मुझे भी समझ नहीं आता, एक समय पर तो बहुत ताकतवर हुआ करता था गाइस, वो इतना कमजोर कैसे हो गया? वही तो, अब हम क्या करेंगे स्टार्क? बच्चों मेरी मदद करो प्लीज, मेरे पास बहुत ही कम समय है। एक मिनट, ये तो ऑल फादर गॉड की आवाज है। आवाज तो उसी की है, लेकिन वो तो मर गया ना? नहीं, मैं भी मरा नहीं हूं, पर मरता जा रहा हूं। मैं पल भर पल छोटा होता जा रहा हूं। देखो मेरी हालत, मैं बहुत छोटा हो गया हूं। ओह माय गॉड, ऑल फादर गॉड तो अभी बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? ऑल फादर गॉड, ये आपको क्या हो गया? एक जमाने में आप बहुत बड़े हुआ करते थे, मैंने देखा तो आप कम से कम 10 सर वाले ऑल फादर गॉड हुआ करते थे। बताता हूं मेरे बच्चों, बताता हूं, एक समय की बात है जब मैं दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऑल फादर 10-हेडेड गॉड हुआ करता था। अब फ्रैंकलिन देख, हमारा ऑल फादर गॉड कितना चमकता धमकता था, कितनी ज्यादा नूर था इसके चेहरे पर। बिल्कुल सही कहा स्टार्क तूने। और यहां पर फ्रैंकलिन, ये क्या चीज है? मैं बताता हूं मेरे बच्चों, ये है मेरी सुपर ऑल फादर एलिमेंटल एक्स, इनकी मदद से ही मेरी सारी पावर्स बरकरार रहती थी, इनकी मदद से ही मैं दुनिया के सारे गॉड्स को कंट्रोल में रखा करता था। मैं एक ऐसे ब्रह्मांड में रहा करता था जहां पर गॉड्स मेहनत करके पैसा कमाया करते थे और खाया करते थे। देखिए, ये एक छोटा सा लावा गॉड। ओह माय गॉड, लावा गॉड इतना सा है? फिर क्या हुआ उसके बाद? लावा गॉड को एक दिन उसी का दोस्त मारने आया, मैंने उसके सारे इरादे परख लिए थे। मुझे पता चला था कि ये स्टार गॉड लावा गॉड को मार के ताकतवर होना चाहता है, उसका एलिमेंटल एक्स छीनना चाहता है, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं यहां पर पाप नहीं होने दूंगा। मैंने लावा गॉड
को अपने पास बुलाया। ओ माय गॉड गाइस, हमारा ऑल फादर गॉड तो बड़ा अच्छा है। ने लावा गॉड को समझाया कि उसका जो जिगरी दोस्त है वो जिगरी दुश्मन है, वो आज उसको मारने आया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या उसने आपकी बात पर यकीन किया? नहीं मेरे बच्चों, नहीं किया। उसने मेरी बात पर रत्ती भर भी यानी कि ही नहीं किया, और वो सीधा स्टार गॉड के पास गया और उसने जाके बता दिया कि मैं उससे स्टार गॉड की चुगली कर रहा हूँ। स्टार गॉड ने उल्टा लावा गॉड से कहा कि असल में अब समय आ गया है उन दोनों के ऑल फादर गॉड बनने का। इसका क्या मतलब है, ऐसे ही कोई ऑल फादर गॉड थोड़ी बन सकता है? बन सकता है मेरे बच्चों, अगर मेरे को हरा दिया जाए। एक मिनट, ये इतना सा पिद्दी सा लावा गॉड आपको हरा सकता है? मैं बहुत दयालु हुआ करता था, मैं नहीं चाहता था कि ना मैं किसी पर हाथ उठाऊं और ना ही कोई मुझे मारे, लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं रही थी इसलिए मैंने लावा गॉड को मारा। बिल्कुल आपने सही कहा, वो बेशक छोटा था लेकिन बेवकूफ था, और बेवकूफ को सजा मिलनी चाहिए, उसको सबक सिखाना चाहिए मेरे बच्चों। लेकिन वो हार नहीं माना। इसका क्या मतलब हार नहीं माना, उसको पता चल गया था कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। मेरा वीक पॉइंट मेरी अच्छाई थी जो एक समय पर मेरी ताकत हुआ करती थी, और नहीं, इसी की वजह से उस लावा गॉड ने मेरी अच्छाई को मिटाने की कोशिश की। मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैंने ठान लिया कि यहां पर या तो मैं मरूंगा या दुनिया को बचाऊंगा, लेकिन मैं दोनों में से कुछ भी चीज नहीं कर पाया, ना तो मैं मरा ना ही दुनिया को बचा पाया। उसके बाद क्या हुआ, लावा गॉड ने मेरे दो एलिमेंटल एग्स धरती पर लगा लिए थे। उसने सबसे पहले चुना कि यहां पर वो एक एलिमेंटल एग लेगा, और बाप रे, लेकिन एलिमेंटल एग लेकर करेगा क्या वो दुनिया का ऑल फादर लावा गॉड बनना चाहता था और उसका वो सपना सफल होने जा रहा था, जब उसने मेरी एलिमेंटल पावर्स मुझसे छीन कर खुद ही के लिए ले ली। अबे यार फ्रैंकलिन, सिर्फ एक अंडे से 5 हेडेड बना, दूसरा अंडा लेके तो जरूर 10 हेडेड बन गया होगा। हाँ ऐसा होता, लेकिन हुआ नहीं है। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन क्यों? क्योंकि वो स्टार गॉड अब असली रंग दिखाने वाला था। स्टार गॉड पहले से ही लालची था, उसको दिख गया था कि मैं हार चुका हूं, मेरे सर भी बस 5 बजे थे, इसलिए स्टार गॉड सीधा लावा गॉड के पास गया और उसने लावा गॉड से कहा कि अब एलिमेंटल एग उसको चाहिए। लावा गॉड ने कह दिया कि यहां पर स्टार गॉड को वो एक भी एलिमेंटल एग नहीं देगा, उसके बाद तो जरूर उनमें बहुत खतरनाक युद्ध हुआ होगा। बिल्कुल सही कहा यार टोरी तूने, लेकिन यहां पर जीतना तो 5 हेडेड लावा गॉड चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लावा गॉड बच्चा था, नादान था, इसलिए यहां पर स्टार गॉड ने उसका अच्छे से फायदा उठाया और उसकी पावर्स का इस्तेमाल उसी के ऊपर कर डाला। ओ भाई साहब, फिर क्या हुआ, वो जो आखिरी मेरा एलिमेंटल एग था उसको स्टार गॉड ने खा लिया। इसकी वजह से अब लावा गॉड और स्टार गॉड दोनों बन चुके थे 5 हेडेड ऑल फादर स्टार एंड लावा गॉड। ओ तो ये हुआ था, एक एलिमेंटल एग ऑल फादर गॉड का हमारे स्टार गॉड पर गया और एक लावा गॉड पर गया। इसका मतलब दोनों ने आपकी आधी आधी पावर छीन ली। बिल्कुल, और मैं तुम्हारी धरती पर आ गिरा और कमजोर होता जा रहा हूं। प्लीज बच्चों मेरी मदद करो, अगर मेरी मदद करोगे तो मैं बदले में तुम्हारी दुनिया को बचा सकता हूं, मैं दुनिया का ताकतवर गॉड भी बना सकता हूं। चल फ्रैंकलिन जल्दी चलते हैं। गाइस सबसे पहले मैं जाऊंगा उस लावा गॉड के पास। लेकिन एक मिनट स्टार्क, हम लावा गॉड के पास जाएं कैसे, वो तो हमारी दुनिया में रहता ही नहीं है। उसके लिए मैं लावा वर्ल्ड में जाना होगा। आइडिया गाइस कमेंट में जल्दी से लिखो, हेल्प मी ऑल फादर गॉड। प्लीज गाइस जल्दी लिखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज ऑल फादर गॉड हमें यहां पर राह दिखाइए जमीन के अंदर जाने की, लावा वर्ल्ड में जाने की। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या होने वाला है स्टार्क पीछे? और भाई साहब यहां पर आग लग रही है, इस आग में कूद जाओ मेरे बच्चों, यह आग तुम्हें लावा वर्ल्ड ले जाएगी। ध्यान रखना लावा वर्ल्ड बहुत गर्म है, तुम वहां मर भी सकते हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है मेरे बच्चों, तुम इस दुनिया को बचा सकते हो और मुझे भी। अरे भाई साहब स्टॉक तो कहां पर है? इस लिटरली में मैं और टोनी स्टॉक तो सीधे पाताल लोक आ गए। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, ये पाताल लोक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और इसका राजा भी जो कि ऑल फादर 5 हेडेड लावा गॉड है। इसका मतलब ये ऑल फादर गॉड का एलिमेंटल एग छीन के यहां रह रहा है और इसने हमारी धरती को अंदर से इतना गर्म कर रखा है। भाई इसी एलिमेंटल एग को हमें छीनना पड़ेगा। फ्रैंकलिन मुझे बचा। अरे मुझ में आग लग गई है, ये सब क्या हो रहा है? यहां पर बहुत गर्मी है, मुझ में भी आग लग गई, अब हम क्या करें? फ्रैंकलिन यहां पर हमें फायर एक्सटिंग्यूशर चाहिए। फायर एक्सटिंग्यूशर? भाई यहां पर कुछ भी नहीं है, ये पाताल लोक है, यहां कुछ सर्वाइव नहीं कर पाता। क्या करें फ्रैंकलिन? कुछ तो सोच वरना मर जाएंगे। फ्रैंकलिन एक मिनट, अरे बाप रे, अभी ये कार ऊपर से आके यहां गिर गई। ओ माय गॉड, लगता है गाइस जिस पोर्टल से हम यहां पर आए थे ये कार भी उसी पोर्टल से गलती से आ गिरी। मेरे पास एक आईडिया है स्टॉक, हम उस कार के पास जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करवा लेते हैं। लेकिन कैसे? एक काम करते हैं, हम ऑल फादर गॉड से मदद लेते हैं। ऑल फादर गॉड जी प्लीज इस कार को रिपेयर कर दीजिए और इसे साथ-साथ में लावा प्रूफ बना दीजिए, जिससे कि कार के टायर और इसकी बॉडी पूरी तरह से जले ना इस आग में। ठीक है मेरे बच्चों, मैं इस कार को रिपेयर कर देता हूं। ऑल राइट गाइस, यहां पर ऑल फादर गॉड ने हमारी मदद कर दी। फ्रैंकलिन जल्दी आगे चल, कौन है मेरी दुनिया में? ये तेरी दुनिया नहीं है, हमारी धरती है, बस हम इसके नीचे वाले हिस्से में। लावा गॉड हमारी धरती से दूर हो जा, तूने क्या गंद फैला रखी है। अरे बाप रे स्टॉक लग गई, मेरे भी लग गई भाई। एक मिनट एलिमेंटल एग, अरे ये रहा। हां भाई साहब चलो गाइस इस एलिमेंटल को लेते हैं और यहां से निकलते हैं। नहीं ऑल फादर एलिमेंटल एग मेरा है। नहीं ये ऑल फादर एलिमेंटल एग उसी का है। अरे फ्रैंकलिन लगता है अब कभी मैं पाताल लोक नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि पाताल लोक तो रहा ही नहीं। बिल्कुल हमने लावा गॉड को छोटा सा कर दिया स्टॉक। देख
नहीं मम्मी पापा मेरे साथ ये बहुत गलत हुआ है, इंसानों में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल तो भाई तू खुद की फिक्र कर, इंसान अपने आप को देख लेंगे। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं भी आ गया हूँ। ऑल फादर गॉड जी प्लीज जल्दी से यहाँ पर इस एलिमेंटल एग को लीजिए और हमारे दोस्तों को, हमारी दुनिया को बचा लीजिए। मेरे बच्चों, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंटल एग से सब कुछ ठीक कर पाऊँ। इसका क्या मतलब स्टार्क, तो भूल गया फ्रैंकलिन, यहाँ पर ऑल फादर गॉड के दो एलिमेंटल एग थे, एक लावा गॉड ने चुराया था और हाँ एक स्टार गॉड ने, जिसमें से कि हम लावा गॉड का तो ला चुके हैं। और यहाँ पर देख ऑल फादर गॉड कितना हरा भरा लग रहा है भाई, रंग बिरंगा सा, हाँ एकदम रेनबो टाइप। और गाइस यहाँ पर हमारा ऑल फादर गॉड फाइव हेड बन गया है। मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर दुनिया की तबाही को तो रोक पाया लेकिन तुम्हारे दोस्तों को नहीं बचा पाया, लेकिन हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है? मैं तुम्हें कुछ घड़िया गिफ्ट देना चाहता हूँ। इस तरह के गिफ्ट मैं तो समझा ही नहीं, मैं तो ऑल फादर गॉड डायमंड बन गया और मैं बन चुका हूँ ऑल फादर गॉड किको। क्या बात है भाइयों, ऑल फादर गॉड फिर से जिंदा हो रहा है, इसको मारो वरना दुनिया तबाह होगी। अबे तुम लोग बेवकूफ हो गए हो क्या? ऑल फादर गॉड की वजह से तो हम बच पाए। नहीं, ऑल फादर गॉड ने यहाँ पर अपने फायदे के लिए हमें मारा। बिल्कुल, इसलिए या तो दुनिया खत्म होगी या ऑल फादर गॉड, एक चीज चुननी होगी। नहीं, ये क्या कर रहे हो इंसानों, रुक जाओ वरना सब तबाह हो जाएगा। अब फ्रैंकलिन हम क्या करें, इतने सारे लोग हैं, हम इन पर अटैक भी नहीं कर सकते क्योंकि अपने, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, एक बार हम ऑल फादर गॉड की सारी पावर्स रिस्टोर कर दें तो यहाँ पर जिन लोगों ने जो भी छोया है अपना वो सब वापस मिल जाएगा, उसके बाद उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। ओ भाई साहब, ये स्टार गॉड यहाँ क्या कर रहा है? जरूर इसका कोई मतलब होगा। अब मैं ऑल फादर गॉड का एक और एलिमेंटल एग चुरा लूंगा। मैंने सुना है लावा गॉड का एलिमेंटल एग मुझसे नहीं रहा। ओ फ्रैंकलिन ये देख, ऑल फादर गॉड का एक और एलिमेंटल एग इसके हेड के ऊपर है। और भाई साहब ये एक से इसका पेट नहीं भरा है, यहाँ पर ये लावा गॉड के पास जो एलिमेंटल एग था ऑल फादर गॉड से छीनना है। मैं ऐसा स्टॉक बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ये बात तो तूने सही कही, लेकिन हम इसको हराएंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसके नीचे से जाता हूँ और तू डायरेक्टली ऊपर से उड़ के जा। अरे अरे अरे, ये क्या, ये कोई बुरा सपना है? ये इसकी बड़ी इसको खा जाओ। ये किसकी आवाज है? ओ माय गॉड, मैं कौन से वर्ल्ड में आ गया हूँ? हेलो, कोई है यहाँ पर? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अंधेरा है कुछ इतना ज्यादा खास पसंद नहीं है। स्टार्क, मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे बाप रे, ये तो स्पाइडर आयरन मैन है। ओ भाई साहब, और ये तो ज़ॉम्बीज हैं। अबे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इंसान खाएंगे? इंसान नहीं हूँ मैं, ऑल फादर गॉड आयरन हूँ। स्टार्क, तुझे मैं खा जाऊंगा और अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा दूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? इंसान खाएंगे, बहुत स्वाद है, बहुत मजा आएगा इसको खाने में। अरे बाप रे, गाइस कोई बचाओ, प्लीज ऑल फादर गॉड आयरन मैन ओपी लिखिए, आयरन मैन ओपी लिख दो। अरे तो मुझे खा गया। एक मिनट, ये क्या था? उसने जैसे ही मुझे खाया मैं किसी और धरती पर आ गया। नहीं नहीं, मैं तो, अरे बाप रे, ये गन कब से बना रहा हूं मैं? फ्रैंकलिन ये क्या कर रहा है तू? तू भूल गया, तू ही तो मुझसे बोल के गया था कि यहां पर मैं इस गन को बनाऊं। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। खैर, ये गन बनी क्या, लेकिन ये काम कैसे करती है वो तो मुझे भी नहीं पता, बस तूने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे। ये सब कब हुआ फ्रैंकलिन? मुझे तो याद नहीं है। खैर, इस गन को तैयार कर लिया तूने? हां, एक काम करते हैं इस पे। अरे नहीं, ये क्या हो गया, ये कौन मार रहा है मुझे? स्टॉक, क्या ही गन है भाई, तूने मुझे क्या ही फॉर्मूला दे दिया? मुझे तो पता भी नहीं है फ्रैंकलिन तू किस बात कर रहा है, लेकिन तुझे एलिमेंटल एग मिला। हाँ, यहाँ पर देख, एलिमेंटल एग भी मिल गया और हमने स्टॉक गॉड को हरा दिया। अबे वो तो वन हैंडेड रह गया है। चलो गाइस, एक काम करते हैं, जल्दी से जाते हैं अपने ऑल फादर गॉड के पास और इस अंडे को दे देते हैं। बिल्कुल सही कहा तूने स्टॉक, अब फाइनली दुनिया वालों को यहाँ पर नजर आएगा कि हमारा ऑल फादर गॉड बुरा गॉड नहीं है, वो तो दुनिया को बचाना चाहता है। बिल्कुल मेरे बच्चों, अब मैं इस अंडे की ताकत से दुनिया के सारे नुकसान कामों को ठीक कर दूंगा। राइट गाइस, यहाँ पर ऑल फादर गॉड ने आखिरी अंडा ले लिया है। और गाइस, मैं अपनी आंखों से, ओ भाई साहब, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि एंशिएंट गॉड जो हजारों करोड़ों साल पहले टेनेट हुआ करता था, मेरी आंखों के सामने मुझे दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, यार कितना रियल लग रहा है ये। मेरे बच्चों, अब समय आ गया तुम्हारी फैमिलीज को जिंदा करने का। क्या बात है फ्रैंकलिन, अब हमारी फैमिली जिंदा होगी। अरे हम जिंदा हो गए गाइस। देखिए यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से तो खुशी नहीं समझ आ रही है, उड़ी कसम मजा आ गया, हल्क भी बहुत खुश हुआ। खैर गाइस, ये हमारे पुराने वाले सूट है, ये है गॉड किको और ये है मेरा गॉड आयरन का सूट। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए मेरा गॉड स्पाइडर आयरन का सूट जो मैंने अपने एक भयानक सपने में देखा था। और गाइस ये देखिए मेरा छोटा सा मिनी ऑल फादर गॉड का सूट, और यहाँ पर इंसान भी खुश हो गए। अरे थैंक यू सो मच। बाकी गाइस, आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।